गाइस, आपने बहुत सारी मोटरसाइकिल में इस तरह के एयर सस्पेंशन देखे होंगे और बहुत जगह ये वाली भी देखे होंगे, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या? देखिए, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो एयर सस्पेंशन होते हैं इनको नाइट्रॉक्स एयर सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है और ये अच्छा बैलेंसिंग का काम करते हैं। वहीं ये एयर सस्पेंशन 50-60 किलोमीटर में अनबैलेंसिंग क्रिएट करने लगने लगे। गाइस, नॉर्मली जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपकी नज़र एक बार तो इन डब्बों में पड़ी होगी, आपने बहुत बार नज़रअंदाज भी कर दिया होगा और बहुत बार आपने देख के सोचा भी होगा कि ये क्यों लगे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इनको एयर प्योरीफायर कहते हैं, जो एयर को प्योरीफाई करते हैं, और इनका मेन काम ट्रेन को बैलेंस करना भी होती है। गाइस, नॉर्मली जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हमारी नज़र इन पंखों के ऊपर जाती है, और अगर हम इन्हें अपने घर ले जाने की भी सोचें और अपने घर में लगाएं तो ये हमारे घर में नहीं चल सकते, क्योंकि जो रेलवे होता है वो ट्रेन में 110 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करता है और हमारे घर में 240 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिस कारण से ये नहीं चल सकते। गाइस, नॉर्मली अगर हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लेते हैं तो नॉर्मली कोका कोला का नाम आता है। आज बहुत सारे लोग इसे सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी रहे हैं और इसका व्यापार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि इसका यूज़ सॉफ्ट ड्रिंक के लिए नहीं बल्कि मेडिकल पर्पज़ के लिए हुआ था, जिसे आज लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स समझ कर पी रहे हैं और ये एक प्रकार से मेडिसिन ही लोग ले रहे हैं।